ये भी उतना ही बड़ा सत्य है जैसे कि सूरज पूरब से निकलता है, बच्चा माँ की कोख से ही जन्म लेता है। वैसे ही पैसे को सही ढंग से अगर समझा ना जाए, संभाला ना जाए, तो वो बहुत सारे दुख देता है। तो बस इसी पैसे को समझने और इसे संभालने की कला के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, यानी कि हम बात करेंगे रॉबर्ट टी कियोसाकी के लिखे बुक रिच डैड पुअर डैड की। इस किताब के इंट्रोडक्शन में मैं कुछ और बात कहूं, उससे पहले मुझे डॉक्टर एड कोकेन की एक बात याद आती है। लिखते हैं कि रिच डैड पुअर डैड अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताती, ये सिखाती है कि आप पैसे की समझ कैसे विकसित करें, किस तरह से अपने पैसे की जिम्मेदारी निभाएं और उसके बाद किस तरह से अमीर बने। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी बात जिम्मेदारी की आती है तो नाम याद आता है उस शख्स का जिसने जिंदगी में कितनी भी ठोकरें खाई हों, कितना भी दुखी रहा हो, पर हमारे हिस्से के गम लिए और अपने हिस्से की खुशी हमें दे दी। पिता, जेब खाली हो फिर भी मैंने उन्हें मना करते नहीं देखा, जेब खाली हो फिर भी मैंने उन्हें मना करते नहीं देखा। अरे मैंने अपने पिता से ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई इंसान नहीं देखा। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने उसी पिता को ध्यान में रखते हुए उन्हें मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी बनाते हुए हमें लाइफ के आज की जिंदगी के आज की लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन को पढ़ाने की कोशिश की है, विच इज पैसा। जी हाँ, हम बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते रहते हैं। हमारा जो एजुकेशन का पैटर्न है, पढ़ाई का तरीका है, हम बचपन से सिर्फ यही सुनते आए हैं कि पढ़ो 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 और पढ़ो, और एक लेवल तक पहुंचने के बाद, एक एज तक पहुंचने के बाद डिसाइड करो कि अब क्या करना है। रॉबर्ट टी कियोसाकी इसी बात को बहुत ही खूबसूरती से एड्रेस करते हैं कि हमें पैसे को एक सब्जेक्ट की तरह बचपन से ही क्लासेस में पढ़ाना चाहिए। अगर आज पढ़ाई का मतलब, जिंदगी में सफल होने का मतलब ज्यादा पैसे कमाने से है, तो क्यों ना उस पैसे को सही ढंग से मैनेज करने का गुण हमें बचपन से मिले। स्कूल्स 6 घंटे के 8 घंटे के होते हैं, पर बाकी जो वक्त है वो घर पे बीतता है। तो कहीं ना कहीं स्कूल हो या घर हो, बच्चे को बचपन से ही पैसे की अहमियत, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी मैनेजमेंट के बारे में अगर पढ़ाया जाए तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं मिसिंग थी। शायद कई सालों से ये जद्दोजहद है कि इसे शुरू किया जाए, इसे समझाया जाए, बहुत सारी फिल्में बनी हैं इस पर, लेकिन आज भी हम मार्क्स मार्क्स और मार्क्स के पीछे ही भागते हैं। अगर हमें पैसे को सही ढंग से मैनेज करने की कला आ जाए, अगर हमारी समझ डेवलप हो जाए, तो मुझे लगता है कि जो आजकल के बच्चे हैं वो बड़े जब होंगे तो वो खुश रहेंगे। इंसान को कंप्लीट करने के लिए उसका परिवार, उसके अपने, उसके दोस्त, उसका रहन सहन सब बहुत जरूरी होता है। ये तो नहीं कह सकते कि पैसा ही सब कुछ है, पर हाँ, सब कुछ पाने के लिए पैसा जरूरी है। काश काश कि मैंने ये बुक 20 साल पहले पढ़ी होती। ये लाइन अमेरिका के एक बहुत ही बड़े बिल्डर लैरिसन क्लार्क ने कही थी जब उन्होंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी थी। वक्त ऐसे ही बीत जाता है और हम काश में फंसे रह जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हमें जब पता लगती हैं जिससे हमारी लाइफ बदल सकती थी, हमें कुछ सीखने को मिल सकता था, हमें तरक्की करने को मिल सकता था, पर वक्त बीत चुका होता है और बस रह जाता है तो ये एक काश, काश कि मैंने ये कर लिया होता। आज हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी के लिखे बुक रिच डैड पुअर डैड पर। इस किताब में कियोसाकी ने अपने दो पिताओं का रेफरेंस लिया है, एक जो रिच डैड थे जिनके पास बहुत पैसा था और एक जो पुअर डैड थे। रॉबर्ट कियोसाकी अपने दोनों पिताओं को, दोनों डैड्स को बराबर का सम्मान देते थे और उनके जो दोनों पिता थे वो भी उन्हें उतना ही प्यार करते थे। बहुत सारे लोगों के सवाल हो सकते हैं कि एक ही वक्त पर एक इंसान के दो पिता कैसे हो सकते हैं, या कोई और क्वेश्चन। मुझे लगता है कि हम अगर इस बात पे ध्यान दें कि रॉबर्ट कियोसाकी हमें समझाना क्या चाहते हैं, तो हमारे लिए फायदे की बात होगी।
हो सकता है उन्होंने ऐसा मान लिया हो, हो सकता है उन्होंने अपने मन को पुअर डैड और अपने दिमाग को रिच डैड माना हो, या ये हो सकता है कि एक डैड उनके रहे हो और दूसरे डैड उनके किसी दोस्त के, कुछ भी हो सकता है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि ये जो डैड का रेफरेंस लिया उन्होंने ये कहानी है या काल्पनिक है। असल बात यह है कि रॉबर्ट कियोसाकी हमें समझाना क्या चाहते हैं, हमें बताना क्या चाहते हैं। चलिए मान लेते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे और उनमें से एक बहुत अमीर थे, एक बहुत गरीब थे। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि सोच जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और इसी माध्यम से रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हालांकि वो दोनों पिता उनके अपने थे, हालांकि वो दोनों पिता उनका उतने ही शिद्दत से, उतने ही मन से ख्याल रखते थे, उतना ही प्यार करते थे, अपनी जान निछावर करते थे और हमेशा उन्हें सिखाने की कोशिश करते थे, जिंदगी में आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे, पर ऐसा क्यों था कि उनके एक पिता अमीर थे और एक पिता गरीब? सारा खेल सोच का है, सारा खेल नजरिए का है। नजरिया ही इंसान को तरक्की दिला सकता है और नजरिया ही इंसान के जीवन की नाव डुबा सकता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस रंग के चश्मे को पहनकर कैसा मौसम देखते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है, अरे मौसम तो इंसान के अंदर होता है, और उसी अंदर के मौसम को हमेशा बनाए रखने, अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए, अपना नजरिया सकारात्मक रखते हुए अगर हम आगे सोचें तो कुछ अच्छा तो जरूर होगा। बातें और भी हैं, सुनते रहिए। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, पर जो अमीर होता है उसका पैसा उसके लिए काम करता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी बुक रिच डैड पुअर डैड पर। स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो, ये जो लाइन है याद करिए, बचपन में हम सब ने सुना है, और एक बार नहीं कई बार सुना है, रिश्तेदारों से, घर वालों से, टीचर से, हर एक से। स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। एक वक्त तो ऐसा लगता था कि बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पर जैसे जैसे समझ आगे बढ़ी, एक सवाल मन में घर करने लगा, आखिर हम पढ़ किस लिए रहे हैं? देखिए, स्कूल जाना और पढ़ाई करना ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई काम किया जा रहा है तो वो किस वजह से किया जा रहा है ये जानना भी उतना ही जरूरी है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हम सबसे पहले जॉब ही ढूंढते हैं ना, ये सोचकर कि जॉब मिलने पर हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, पैसे मिल जाएंगे, हम घर बना लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, और जो भी जरूरतें हैं पैसे से जुड़ी हुई वो सब पूरी कर लेंगे। पर ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग अच्छी जॉब और बहुत ही अच्छी सैलरी होने के बावजूद खुश नहीं होते, वो अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते, बहुत ही मुश्किल से घर का खर्च चला पाते हैं, पर वो लगे रहते हैं इस उम्मीद में कि शायद अगले साल फिर से इंक्रीमेंट होगा, पैसे बढ़ेंगे, और उन पैसों से हम अपनी जो जरूरतें हैं जो पूरी नहीं कर पाए हैं उन्हें पूरी कर लेंगे, और वो और ज्यादा मेहनत करते हैं प्रमोशन पाने के लिए। पर वक्त के साथ साथ हमारी जरूरतें और हमारा लालच बढ़ने लगता है। पहले तो पैसे के बिना रहने के डर से हम बहुत मेहनत करने लग जाते हैं, और उसके बाद जब हमें सैलरी मिलने लगती है तो हमें लालच और ज्यादा पाने की इच्छा जाग जाती है, और चूहे बिल्ली के इसी खेल में हमारी जिंदगी का भी एक पैटर्न बन जाता है। ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा पैसे कमाओ, ज्यादा पैसे कमाओ, घर का खर्च चलाओ, पैसे खत्म, फिर ज्यादा मेहनत करो, और ये जो विशेष सर्कल है ये चलता रहता है, और इसी सर्कल में हम गोल 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 घूमते रहते हैं। अगर हमारे पास ज्यादा पैसे आ भी जाएं, तो भी हमें इस विशेष सर्कल में घूमने की आदत पड़ जाती है। हमें डर और लालच पर काबू पाना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अमीर बन भी गए तो इन आदतों की वजह से हम हमेशा डर के साए में रहेंगे और अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पहले के जमाने में शिक्षा एक जरिया थी लोगों की पर्सनालिटी डेवलप करने का और आसपास के हर विषय में उन्हें जानकारी देने का, पर वक्त के साथ साथ पढ़ाई का लक्ष्य, उसका गोल बदल गया। पढ़ाई का मकसद रह गया बड़े होकर अपनी जीविका चलाना, ब्रेड एंड बटर कमाना,
और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। वक्त के साथ चीजें बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीज वक्त के साथ नहीं बदलती वो या तो हमारी खुशियां छीनती है या फिर समाज को बहुत